सितंबर से शुरू होगा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। अनुपूरक बजट ला सकती है सरकार, सदन में हंगामे के आसार। 16 फरवरी से होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षाओं पर चुनाव आयोग ने लगाया ब्रेक। परीक्षा कार्यक्रम को लेकर इंतजार करने के दिए निर्देश। फरवरी महीने में 20 चुनाव को लेकर असमंजस बरकरार। नोटबंदी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने फिर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा 50 दिन पूरे होने के बाद देंगे इस्तीफा या मुंह छिपाते फिरेंगे प्रधानमंत्री। संसद वीडियोग्राफी मामले में आप सांसद भगवंत मान पर आज होगा फैसला। कमेटी ने मौजूदा सत्र के लिए मान को निलंबित करने की उठाई मांग। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर से मिले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को लेकर हुई बातचीत, आगे बढ़ने को है तैयार। सीबीआई के अंतरिम निदेशक राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। एनजीओ कॉमन कॉज ने दाखिल की थी याचिका। केंद्र सरकार पर लगाया था मनमानी करने का आरोप। हैदराबाद में 7 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा। मलबे में दबे हो सकते हैं कई लोग। 10 लोगों के मरने की जताई जा रही है आशंका। राहत बचाव कार्य जारी। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे का कहर। यातायात पर पड़ा भारी असर। करीब 11 ट्रेनें हुई रद्द। 100 से ज्यादा है लेट। हवाई यात्रा पर भी पड़ा असर। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के अरवानी इलाके में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। कल 3 आतंकी हुए थे ढेर। लश्कर कमांडर दुजाना भागने में हुआ था सफल। देश भर में बैंकों के बाहर लगी लंबी लाइनें। आज से 3 दिन तक बंद रहेंगे बैंक। जनता की बढ़ सकती है मुश्किलें।